नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका धारिका के इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं मनोज भालोठिया आपको आज लाभ हानि की अगली टाइप के बारे में कुछ प्रश्नों में चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि नया प्रश्न नई टाइप के अकॉर्डिंग प्रश्न देखते हैं हम कि 318 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3212 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। आपने क्या कहा कि 318 वस्तुएं और उन वस्तुओं का क्या बता रहे हो आप, वस्तुओं का आप क्या बता रहे हो विक्रय मूल्य और किसके बराबर है 212 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य के बराबर है, अब देखो ध्यान देने वाली बात है, क्रय मूल्य कितना होगा विक्रय मूल्य कितना होगा, क्योंकि अपन लोग बात कर रहे हैं लाभ हानि की। तो लाभ हानि में पहले वस्तुएं खरीदी जाती है फिर बेची जाती है। अब देखो एक प्रश्न तो तरीका भी ये है कि आप यहाँ पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान लो ₹100 और एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लो आप ₹2,500। तो अपन लोग क्या करते हैं, ये लिखते हैं 318 वस्तुएं थी, एक वस्तु की बात कर रहे हैं हम, एक वस्तु का हम क्या मान रहे हैं विक्रय मूल्य अक्ष मान रहे हैं। तो 318 वस्तु को हो गया 318 एक्स बराबर क्या 212 वस्तुओं का एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लिया हमने वाई। तो 212 वस्तुओं का कितना हो गया 212 वाई। अब देखो अपन एक्स और वाई की बात करें, यहां से पुरुषांक करें तो वाई बटा में आ जाएगा और ये पुरुषांक करें तो बटा में आ जाएगा 318। आप एक्स का मान बता रहे हो 212 और वाई का मान बता रहे हो कौन 318। एक्स का मतलब कौन था एक वस्तु का विक्रय मूल्य और वाई का मतलब था 318 एक वस्तु का क्रय मूल्य। अब यहां पर आप लिखोगे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, ये तो था इसका तरीका। अब मैं आपको एक सीधा सा तरीका बताता हूं कि आप इतना रखो ना कि 318 ये अक्सर भाई भी मत मानो, आप डायरेक्ट इतना ही करो। देखो क्योंकि आप लोग अनुपात समानुपात पढ़ते हैं तो हमें पता है कि 2a = 3b हो तो हम a अनुपात b का जो मान रखते हैं वो कितना रखते हैं 3:2, क्योंकि हमें पता है जब इस b का पक्षांतर करेंगे ये बटा में आ जाएगा और इस 2 का पक्षांतर करेंगे ये बटा में 2 चला जाएगा। a का मान 2 हो गया और b का मान 2, सॉरी a का मान 3 हो गया और b का मान कितना हो गया 2 हो गया। तो अपन लोग सीधा करते हैं कि आप बता दो 318 का विक्रय मूल्य, तो आप यहां पर लिखो क्रय मूल्य और यहां पर लिखो आप अनुपात कौन विक्रय मूल्य विक्रय। अब देखो मैं बात कर रहा हूं आप बता रहे हो 318 का क्रय मूल्य, तो देखो ये विक्रय मूल्य यहां है तो ये आपका विक्रय मूल्य होगा 212 और आपका जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 318, क्योंकि हम विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य का पुरुषांक करें तो क्रय मूल्य बटा में आएगा विक्रय मूल्य कौन क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बटा कौन क्रय मूल्य और ये 318 बटाने चला जाए तो 212 बटा कौन 318। अब देखो 318 रुपए में हम कोई सामान खरीद रहे हैं और उसको 212 रुपए बेच रहे हैं, लाभ होगा हानि होगी, अर्थात हम इसमें से घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं, और घटाने का मतलब क्या होता है हानि, और कितना घटा रहे हैं 318 में से आप ये घटा लो शायद 106 बचेगा। अब आप चाहते हो क्या हानि किस में बताना है प्रतिशत में और परसेंटेज में क्रय मूल्य कितना होता है 100%, तो ये वाला कितना होगा एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आप 106 का भाग दोगे तो 3 बार जाएगा और एक्स बराबर आ जाएगा एक्स के साथ गुणा में 3 तो बटा में ये हो जाएगा 100/3 बराबर 33 सही 1/3% और क्या होगी हानि होगी। चलो हम एक प्रश्न और देखते हैं, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो आप कुछ मत लिखिए 40 वस्तुओं का क्या है विक्रय मूल्य और किसके बराबर है वो 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। अब देखो आपका विक्रय मूल्य कितना होगा 50 और क्रय मूल्य कितना होगा 40, क्योंकि आप लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 3a = 4b तो ए अनुपात बी कितना होता है ए का मान कितना होगा 4 और बी का मान कितना होगा 3, तो 4:3 वही काम यहां पर आपको लिखना है क्रय मूल्य और यहां पर लिखना है आपको विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हुआ आपका 40 और विक्रय मूल्य कितना हुआ 50। अब ध्यान दीजिए 40 में आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, जोड़ रहे हैं तो 40 में कितना जोड़ा जोड़ का मतलब कौन लाभ कितना जोड़ा है हमने 10 जोड़ा तो कितने का लाभ 10 का, तो 100 पर कितने का होगा तो 100 क्योंकि क्रय मूल्य कितना होता है 100% होता है तो क्रय मूल्य 100% लाभ परसेंट कितना x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दो 4 का भाग दिया कितना 25 x बराबर कितना आ जाएगा 25% और क्या होगा लाभ होगा। या
अभी कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, सीधा सा ये 40-50 चेंज हो सकता है। कई बार यहाँ पर क्रय मूल्य शब्द दे दिया जाता है, यहाँ पर विक्रय मूल्य, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप इतना रखो जितनी वस्तुएं उन विक्रय मूल्य को ही विक्रय मूल्य मान लो, क्रय मूल्य को ही क्या मान लो, उसका क्रय मूल्य मान लो। 40 का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 40 विक्रय मूल्य, और 50 का विक्रय मूल्य कितना, 50 का क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य हो गया 50, क्रय मूल्य हो गया कितना 40, तो क्रय मूल्य के नीचे लिखना 40, विक्रय मूल्य कितना 50। अब आप ध्यान दीजिए 40 में हमने कुछ जोड़ा है तब 50 है या घटाया है तब, जोड़ा है तो प्लस कितना, लाभ कितने का होगा 10 का, तो 100 पर कितने का होगा, x का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25% लाभ। एक प्रश्न और हम देखते हैं, देखो आपके पास 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो देखो 60 वस्तुओं का क्या बता रहे हैं हम, क्रय मूल्य बता रहे हैं, और वो 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितने वस्तुओं, x वस्तुओं के किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखो फिर क्या बता रहे हैं, x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि 20% का क्या होता है, लाभ होता है, कितने का 20% का क्या होता है लाभ, तो इसका मतलब स्वाभाविक बात हमने पहले क्या किया था, क्रय किया था, उसके बाद हमने क्या किया था, विक्रय किया था, और विक्रय के बाद आप क्या बता रहे हो, लाभ, और लाभ भी कितना बता रहे हो आप, 20% बता रहे हो। अब लाभ अगर 20% है तो क्रय मूल्य कितना था, 100%। अगर क्रय मूल्य 100% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, देखो हमें पता है कि क्रय मूल्य में लाभ क्या होता है, जुड़ता है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120 और 1%। अब ध्यान देने वाली बात है, क्रय मूल्य कितना x, विक्रय मूल्य कितना 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, 12 5 60 गुणा करेंगे तो x का मान कितना देगा 50, तो x का मान कितना है 50 है, कितनी वस्तुएं आपने बेची थी, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, तो ये आंसर कितना होगा आपका 50 होगा। चलो एक प्रश्न और देखते हैं हम, एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची, मतलब 250 कुर्सियां बेचता है, बेचने पर उसको 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। अब ध्यान देने वाली बात, आपने 250 कुर्सियां बेची तो स्वाभाविक बात आपने 250 कुर्सियां खरीदी भी है, तो इसका मतलब पहले आपने वो 250 कुर्सियां बेची है, तो इसका मतलब 250 क्या किए आपने, क्रय किए, और 250 ही आपने क्या किए, विक्रय किए। इस दरमियान आपको या तो लाभ होगा या फिर आपको क्या होगी, हानि होगी, और हम बता रहे हैं 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ। तो क्रय मूल्य में लाभ जुड़ता है या घटता है, जुड़ता है बिल्कुल, ये हमने जोड़ दिया, और क्या लाभ हो रहा है, 50 कुर्सियों का क्या, कौन सा मूल्य प्राप्त हो रहा है, बिक्री मूल्य। तो आप यहां पर लिखो 50 और क्या बता रहे हो आप, बिक्री मूल्य, और बिक्री मूल्य का मतलब होता है विक्रय मूल्य। अब ध्यान दीजिए, देखो जब हमने 250 खरीदी और हमने 250 ही बेची थी, क्योंकि अगला कह रहा है कि 250 कुर्सियां बेची है, तो स्वाभाविक बात है 250 कुर्सियां बेची है, तो हमने 250 कुर्सियां खरीदी थी, इसके दरमियान हमें क्या हुआ, 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो प्लस 50 का विक्रय मूल्य। अब ध्यान दीजिए, देखो यहां पर क्रय मूल्य था, यहां पर विक्रय मूल्य था, मैं काम करता हूं इसको कैंसिल करता हूं, और यहां से पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, प्लस का था पक्षांतर, किसका हो जाएगा माइनस का, और क्या हो जाएगा 50 का क्या हो जाएगा, 50 का विक्रय मूल्य माइनस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इस साइड बचा 250 का क्रय मूल्य, 250 का क्रय मूल्य, और इस तरफ बचा 250 का विक्रय मूल्य, उसमें से 50 माइनस कर दिया तो बचा कितना 200 का क्या विक्रय मूल्य, 200 का विक्रय मूल्य। अब ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य कितना आपका 200 और विक्रय मूल्य कितना 250, विक्रय मूल्य कितना 250। हाँ तो देखो हमने कहा कि 250 का क्रय मूल्य प्लस 50 का विक्रय मूल्य, देखो क्योंकि हमने 250 बेची है, तो स्वाभाविक बात है 250 जब बेची तो 250 आपने खरीदी है, आप इस दरमियान क्या होता है 50 वस्तु का विक्रय मूल्य, बिक्री मूल्य का मतलब कौन विक्रय मूल्य, 50 का विक्रय मूल्य आपको लाभ के रूप में प्राप्त हो रहा है, लाभ तो प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ नहीं होती तो हम क्या करते माइनस करते। अब 250 का क्रय मूल्य प्लस 50 का विक्रय मूल्य, तब 250, अब इस 50 का पक्षांतर कर दो तो माइनस का कितना 50 का विक्रय मूल्य। अब ध्यान देने वाली बात, इस साइड बचा 250 का क्रय मूल्य और इस तरफ बचा 250 का विक्रय मूल्य, इसे 50 का विक्रय मूल्य माइनस होगा तो बचा कितना 200, क्रय मूल्य कितना हो गया 200 और विक्रय मूल्य कितना हो गया 250। हम लिखेंगे क्रय मूल्य और ध्यान रखेंगे हम क्या विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना बता रहे हो आप 200 बता रहे हो, और विक्रय मूल्य कितना बता रहे हो 250, और लाभ कितने का बता रहे हो 50 का। अब ये चाहता है कि लाभ का क्या बताना है आपको, प्रतिशत बताना है, लाभ किसमें बताना है प्रतिशत में बताना है, तो लाभ प्रतिशत में बताना है, तो ये क्रय मूल्य कितना होता है 100% होता है, तो ये वाला कितना x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जब हमने 20 से 20 काटी 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया 25, x का मान कितना आ गया 25%, और क्या होगा आपको लाभ। एक प्रश्न और देखते हैं, देखो
एक विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर, इसका मतलब हमने कितना कपड़ा बेचा है, 33 मीटर कपड़ा बेचा, तो स्वाभाविक बात है हमने 33 मीटर कपड़ा खरीदा है, तो आप यहां लिखो 33 मीटर का क्रय मूल्य। और 33 मीटर खरीदा है तो हमने 33 मीटर क्या किया है, विक्रय किया है। अब देखो क्या करेंगे आप, 11 मीटर कपड़े की लागत, लागत का मतलब क्रय मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, तो इसका मतलब लाभ का मतलब प्लस, अगर हानि होती तो माइनस। और क्या बता रहे हैं, 11 मीटर और 11 मीटर कपड़े का कौन सा मूल्य प्राप्त हो रहा है, लागत, और लागत मूल्य का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, क्रय। अब देखो हमने 33 मीटर कपड़ा खरीदा था, 33 मीटर कपड़ा हमने बेचा, इस दरमियान हमें 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य जो था, क्रय मूल्य जो था उसका लाभ हुआ, तो लाभ को हमने प्लस कर दिया। अब देखो ये भी क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 44 मीटर का क्रय मूल्य और 33 मीटर का विक्रय मूल्य दोनों क्या है, बराबर है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया आपका 33 और विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका 44। तो आप यहां पर लिखिए क्रय मूल्य अनुपात कौन, विक्रय मूल्य, और जब यहां लिखेंगे तो 33 अनुपात कौन आपका 44। अगर ये 33 होता है तो विक्रय मूल्य कितना 44, और लाभ कितने का, आपको लाभ कितने का 11 का, तो 100 पर कितने का होगा नहीं पता, तो 100% पर कितना x% क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 दिए 33 x बराबर आ जाएगा 100 बटा कौन 3, और जब भाग दिए तो आ जाएगा 33 सही 1/3%, और क्या होगा आपको लाभ होगा, ये आपका आंसर है। इसी प्रश्न में हम क्या करते हैं, ये जो लागत का लाभ प्राप्त होता है, इसे लागत शब्द को हटा देते हैं और यहां पर डाल देते हैं 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, हमने यहां पर प्रश्न में चेंज कर दिया और यहां पर हमने क्या कर दिया, विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य का लाभ होता है 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त होता है। तो देखो ध्यान देने वाला बात, हमने 33 मीटर कपड़ा बेचा था, तो स्वाभाविक बात है 33 मीटर कपड़ा बेचा, तो हमने 33 मीटर कपड़ा क्या किया था, खरीदा था, और 33 मीटर कपड़ा ही हमने क्या किया है, बेचा है, और जो हमें लाभ प्राप्त हो रहा है, लाभ लाभ का मतलब कौन प्लस, और कितना हो रहा है 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर इस बार हम यहां पर पहले क्रय मूल्य लिख रहे थे, इस बार क्या होगा 11 मीटर का क्या, विक्रय मूल्य। अब ध्यान दीजिए देखो 33 मीटर कपड़ा का क्रय मूल्य था और 11 मीटर, तो यार इसका पक्षांतर कीजिए तो माइनस का कौन 11 का विक्रय मूल्य, 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य माइनस हो जाएगा, तो इस साइड बचेगा अपने पास कौन 33 मीटर का क्रय मूल्य, और इस साइड बचेगा कौन 22 मीटर का कौन विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य हो जाएगा आपका कितना 22 और विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका इस बार कितना 33। तो देखो यहां पर लिखेंगे अपन वही बात, क्रय मूल्य अनुपात कौन आपका विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना आपका 22 और विक्रय मूल्य कितना आपका 33। अब ध्यान दीजिए 22 में हमने कुछ जोड़ा है घटाया, जोड़ा है तो प्लस, और प्लस का मतलब कौन लाभ, 100% पर कितना हमें नहीं पता तो हमने क्या लिख दिया, x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 का भाग दिया तो 11 दुनी 22, 11 का 11 11 दुनी 22, जब 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया 50, x बराबर क्या जाएगा 50%, और 50% क्या होगा आपको लाभ प्राप्त होगा, ये आपका आंसर है। अब ध्यान दीजिए देखो मैंने यहां पर सिर्फ एक विक्रय मूल्य चेंज किया था, तो अपना आंसर आ रहा है 50% लाभ, जब यहां पर क्रय मूल्य था तब आंसर आता 33 से 1/3%, तो सिर्फ एक शब्द चेंज हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा, बस इतना ही ध्यान रखना आपको, ज्यादा कुछ नहीं, आप जितने मीटर कपड़ा बेच रहे हो इसका मतलब आपने उतना सामान खरीदा है, आपने 33 मीटर कपड़ा बेचा तो 33 क्रय मूल्य भी था आपके पास, तो 33 क्रय मूल्य 33 बेचा तो विक्रय मूल्य। अब देखो आपको लाभ हो रहा तो यहां प्लस कर दीजिए, और अगर यहां आपको हानि हो रही तो क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, 11 मीटर का विक्रय मूल्य का आपको क्या हो रहा है इस बार लाभ हो रहा है, इससे पहले आप लोगों ने यहां पर क्या किया था क्रय मूल्य किया था, तब वो देखो ये भी क्रय मूल्य था ये भी क्रय मूल्य था, तो 33 और 11 कितना हो गया था 44 हो गया था, लेकिन इस बार ये क्या है विक्रय मूल्य, तो इसका पक्षांतर करें तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, जब ये माइनस का होगा तो 33 में से 11 माइनस करेंगे कितना होगा 22 का विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हो गया 22 और विक्रय मूल्य हो गया कितना 33, ये 22 ये कितना 33, लाभ कितने का 11 का, तो 100% पर कितने का होगा ₹50, 50% आपको क्या होगा लाभ होगा। तो बताइए दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन को भी दबाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो ही आपके पास डाला जाए आपको तुरंत सूचना पहुंच जाए।